जय श्री राम भाइयों। तो गेहूं की कटिंग चल रही है और ये पूर्णा क्वालिटी का गेहूं है, अच्छी हाइट है। ठीक है भाइयों, तो इसमें क्या है कि रीपर बाइंडर चल रहा है भाइयों। इसको डायरेक्ट हार्वेस्टर से ना कटवा कर किसान भाई इसको रीपर बाइंडर से कटवा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है भाइयों के ये क्या है, इसको पूरा इकट्ठा करके इसको थ्रेसर से निकाल लिया जाएगा भाइयों। तो उसमें क्या है कि जो पशुओं के लिए भूसा जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है भाइयों। जैसे रीपर से अपन जो ट्रॉली कटवाते हैं, भूसा कटवाते हैं उसमें, और इस वाले सिस्टम में जो भूसा निकलता है थ्रेसर वाला, ठीक है, बहुत फर्क रहता है भाइयों। भूसे की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। तो अधिकतर किसान क्या करते हैं भाइयों के, जिनको भूसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का भूसा खिलाना चाहते हैं अपने पशुओं को, तो उनके लिए ये विकल्प बहुत अच्छा है। ठीक, और कहीं ना कहीं मजदूर से बढ़िया काम है, सस्ता सुंदर काम है। नीचे भी अपन अगर देख लें तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है भाइयों, ठीक है। और करीब करीब यूँ समझ लो कि 5 से 6 इंच ऊपर से काट रहा है भाइयों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बिल्कुल सतह से भी अपन काट सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो पाली है इसमें वो जो ब्लेड हैं वो फंसने लग जाएगी, ठीक है, मिट्टी आने लग जाएगी, तो उससे सही फिनिशिंग नहीं आएगी, कटेगा नहीं। बाकी अपन देख सकते हैं बहुत बढ़िया फिनिशिंग है भाइयों। तो बंडल बना के एक तरफ काट देती है। इस टाइप की मशीन का वीडियो अपन पहले भी डाल चुके हैं, शक्ति किसान कंपनी की मशीन थी वो भी, रीपर बाइंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक मशीन और चल रही है, इसको अपन देखेंगे। तो इनका क्या है भाइयों के, पूरा गाय और पशुओं का काम है, ठीक है, डेयरी फार्म का काम है। ये देख सकते हैं अपन, पूरा जो गोबर का खाद है करीब करीब 100-200 ट्राली यहाँ पर पड़ा है। तो उस हिसाब से पशुओं के लिए देख सकते हैं अपन, शक्ति किसान की ही मशीन है भाइयों। स्वराज 855 का चल रहा है। बढ़िया काम है, इतना मन चाहो इतना नीचे से ले सकते हैं अपन। ये देख सकते बिल्कुल जैसे मजदूर से मजदूर ने जमाया हो, किसी आदमी ने जमाया हो, उस टाइप से एक जैसा जमा के रख देता है भाइयों। क्या फिनिशिंग है, बहुत बढ़िया। ठीक, ये पीटीओ से ऑपरेट है, देख सकते हैं। ये धागे का बंडल का जो बॉक्स है इसमें धागे का बंडल है। हाँ भाई साहब, ये इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं अपन, कितनी रहेगी स्पीड? ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छा, ज्यादा कभी बढ़ाए तो आधा बढ़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितना काट देती है एक घंटे में? 1.5-2 बीघा। 1.5 से 2 बीघा एक घंटे में इसी स्पीड से? अच्छा अच्छा, गिले सूखे वगैरह कौन से चाहिए इसमें? गिले भी काट देगी? गिले नहीं काटेगी। अच्छा, गिले नहीं काटेगी, उसमें क्या दिक्कत आएगी? आने पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कटेंगे नहीं सही से, है ना?
क्या लेते हो, किराया क्या लेते हो इसका? 1400 रुपये बीघा। 1400 रुपये बीघे है ना। तो इसमें क्या है भैयों के ट्रैक्टर का पावर स्टीयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, और डबल क्लच रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है, आगे वजन हो जाता है, 4-5 क्विंटल वजन हो जाता है आगे, तो पावर स्टीयरिंग रहेगा तो लोड नहीं आएगा। 4 क्विंटल 15 किलो भी वजन। हाँ, 4 क्विंटल 15 किलो वजन है, ये अपन इधर से देख सकते हैं। बढ़िया है, ये कोने भी है, स्थिति है। ये क्या है, लगे हाथ इनको अगर अपन अलग हटा लें तो ट्रैक्टर को पलटाने में जो बंडल के ऊपर टायर नहीं चढ़ेगा। ये देख सकते हैं अपन, ठीक है, शक्ति किसान का रिपर वाइंडर है भाइयों, बहुत चल रहा है अभी हमारे इधर। अच्छा, ब्रेक पे पलटने में भी दिक्कत आती है, कारण क्या है वजन आगे हो जाता है ज़्यादा, तो ट्रैक्टर क्या है कि पलटने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बढ़िया काम है भैयों, स्वराज 855 4 स्टार। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है भाइयों, माइनर, मतलब ये कोई नुकसान मतलब देखने को ही नहीं मिलेगा आपको, ना बिखरा हुआ, ना चटका हुआ, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। लाइन देखिए आप, बिल्कुल एक जैसे जैसा हाथ से जमाया हो, है ना, बढ़िया फिनिशिंग। इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा क्या है पलटाने में यहाँ पे अपन जितनी सावधानी रखें उतना अच्छा है। ये पीछे से हटा ले अपन तो नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे किसान भाई क्या है कि हटाते नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है भाइयों, किसानों का काम मतलब आसान होता जा रहा है खेती में। सुविधाएं बढ़ती जा रही है, इंप्लीमेंट बढ़ते जा रहे हैं, फिनिशिंग देखो भाइयों, एक नंबर, जैसे हाथ से जमाया हो, बहुत बढ़िया। उधर मजदूर का कटा हुआ पड़ा है, इधर गोबर का खाद है। बहुत बढ़िया काम है भैया,
कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं। और जो बंडल है, बंडल की साइज भी नॉर्मल है, मतलब एक साथ दो दो तीन तीन बंडल आप उठा के गरी जमा सकते हैं। ठीक है, अब ये जैसे मजदूर का कटा हुआ है, मजदूर के हाथ से कटा हुआ है। ठीक है, बहुत लफड़े हैं भाइयों, बहुत टाइम लगता है, बिखेरा भी होता है, कोई बंडल छोटा कोई बड़ा। ठीक है, और एक इधर फिनिशिंग देखो आप, बिल्कुल गुलदस्ते पूरे खेत में जैसे गुलदस्ते बिछे हुए हो। ठीक है भैया, बंडल की साइज बिल्कुल नॉर्मल है, देख सकते हैं अपन। ठीक है, 8-10 किलो का बंडल होगा। और एक मेन खासियत ये भी है भैया कि जैसे ये जो गठान लगाई, ठीक है, ये गठान भी नहीं छूटेगी आपको अगर आप इकट्ठा करोगे उस टाइम पे। जैसे मजदूर क्या रहता है कि इसको पकड़ के ऐसे उठाएगा तो गठान खुलने का डर रहता है, लेकिन ये मशीन के द्वारा जो गठान लगी हुई है छूटेगी नहीं इतनी आसानी से। ठीक, देख सकते हैं अपन क्या फिनिशिंग है भाइयों, बहुत बढ़िया, जैसे मतलब हाथ से नहीं जमाया हो एक जैसा, उस टाइप से लग रहा है, बहुत बढ़िया काम है, कहीं से कोई नुकसान नहीं। ठीक, ये देख सकते हैं अपन, बहुत बढ़िया, ठीक है भाइयों, जैसी भी वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।